राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन संभावित दावेदारों ने अपनी सीट की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा वे क्षेत्रीय विधायकों पर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में अलवर जिला प्रमुख रेखा राजू यादव और उसके पति राजू यादव की निगाह किशनगढ़ बास सीट पर है, जहां उन्होंने एक रैली आयोजित की। इस रैली में क्षेत्र के भाजपा विधायक पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे सवाल पूछे गए। बिजली घर से एसडीएम कार्यालय तक यह रैली निकाली गई। रैली के समापन पर जिला प्रमुख और उनके पति राजू यादव ने आरोप लगाया कि विधायक विकास कार्यों में भेदभाव बरत रहे हैं। रैली में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता यादव ने विधायक से करीब 10 सवाल पूछे। इन सवालों में क्षेत्र के लोगों की विद्युत निगम के अधिकारियों से जबरन वीसीआर भरवाने, क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन में हिस्सेदारी, अलवर शहर में कई शोरूम खोलने और अपना घर शालीमार एवं विज्ञान नगर में अनेकों प्लॉट खरीदने के लिए पूंजी के स्रोत पूछे गए। इसके अलावा जिला परिषद के माध्यम से होने वाले करीब 15 करोड़ रुपए के कार्यों को रुकवाने पर भी सवाल पूछा गया। विधायक पर कृषि मंडी में ऑफिस खोलने और निवास बनाने और लोगों को धमकाने से जुड़े आरोप भी लगाए गए। उनका यह भी कहना था कि लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान बसई बीरबल गांव में विधायक का विरोध करने वाले युवाओं को थाने में जमकर पीटा गया। अंदर घोषणा की थी कि आपको बिजली मिलेगी, मैं तो ये कहता हूँ 29 तारीख को शाम को 6 बजे बिजली काट दी गई और 1 तारीख को रिजल्ट आ रहा था तो पूरे जिले के अंदर बिजली नहीं थी। सभा के बाद कांग्रेस नेता ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों का पूरा ऋण माफ करने और बेरोजगारों को 10,000 रुपए भत्ता दिए जाने सहित क्षेत्र में बिजली की 24 घंटे सुविधा देने की मांग शामिल है। आपको मिला दी सो सारे इसी तरह पेंशन की राशि भी बढ़ाने की मांग उठाई गई। इस मौके पर प्रेम पटेल, जमशेद खान और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे।